हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के BEE सब्जेक्ट के हम लोग बैटरी चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और वर्किंग प्रिंसिपल के दौरान जो है उसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसको देखे थे। तो आज हम लोग निकल कैडमियम बैटरी को देखेंगे, इनकी संरचना देखेंगे, इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, और ये कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं इसको देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग है निकल कैडमियम बैटरियाँ, इसमें जो है इनकी बनावट के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये बैटरियाँ जो है क्षारीय बैटरियों के अंतर्गत आती हैं, इनकी संरचना निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहला मुख्य बात यही है कि निकल कैडमियम जो है अल्कलाइन बैटरी होती है, जिनको क्षारीय बैटरियाँ कहते हैं, और इनके निम्न भाग होते हैं। पहला आधान पात्र, जैसे जो है लेड एसिड बैटरी में आधान पात्र होता था जिसमें प्लेटें रखी होती थी, और उसी में जो है इलेक्ट्रोलाइट होते थे, उसी में सेपरेटर्स होते थे, ये सब भाग होते थे। इसी प्रकार जो है निकल कैडमियम बैटरियों का भी आधान पात्र होता है। निकल कैडमियम बैटरियों का आधान पात्र 0.8 mm से लेकर, देखिए निकल कैडमियम बैटरियों का आधान पात्र 0.8 mm से 1 mm मोटी इस्पात की चादर का बना होता है। वही हमारी जो है लेड एसिड बैटरियों का आधान पात्र किसका बना था, कठोर कांच सेलुलाइट का बना होता था, जबकि इसका स्टील का बना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है निकल कैडमियम बैटरी जो है बैटरियों का आधान पात्र लेड एसिड बैटरी के आधान पात्र से मजबूत होता है। तो इसके बाद दूसरा हेडिंग है धनात्मक प्लेट। तो निकिल कैडमियम बैटरियों की धनात्मक प्लेट निकिल ऑक्साइड लेपित लोहे की नलियों की बनी होती है, जिसमें निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ निकिल धातु के कण भरे होते हैं। हम लोग का लेड एसिड बैटरी में जो है पॉजिटिव प्लेट बनता था लेड परऑक्साइड का, लेकिन यहाँ पर निकिल कैडमियम बैटरी में धनात्मक प्लेट किसकी बन रही है, ये लोहे के घुमावदार छड़ों का बना होता है, छड़ों लोहे की नलियों का बना होता है, लोहे की नलियों का बना होता है, खोखली नलियों का होता है, जिसमें जो है निकिल ऑक्साइड के साथ क्या धातु निकिल धातु के कण भी भरे होते हैं। इसके बाद ऋणात्मक प्लेट के बारे में देख लेते हैं। निकिल कैडमियम का जो है निकिल कैडमियम बैटरियों का ऋणात्मक प्लेट किसका बना होता है, ये भी लोहे की बनी होती है, जिसमें सक्रिय पदार्थ के रूप में कैडमियम ऑक्साइड तथा लौह का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इसमें 0.8 से लेकर 4.5% तक सौर तेल मिला देने से सेल की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात जो निकिल कैडमियम बैटरियों का ऋणात्मक प्लेट होता है वो भी लोहे का ही भरा होता है, लेकिन उसमें जो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, एक्टिव मटेरियल्स में जो है थोड़ा सा परिवर्तन होता है। उसमें हम लोग निकिल हाइड्रोक्साइड भरते थे पॉजिटिव प्लेट में, और उसके साथ निकिल धातु का कण भरते थे, जबकि निगेटिव में क्या भरते हैं हम लोग, कैडमियम ऑक्साइड और लौह का मिश्रण भरते हैं। प्लेटें लोहे की बनी होंगी, लेकिन उसमें जो सक्रिय पदार्थ भरा होता है वो कैडमियम ऑक्साइड तथा लौह का मिश्रण होता है, और इसी में सेल की धारिता को बढ़ाने के लिए उसमें 0.8 से 4.5% तक सौर तेल मिला दिया जाता है, जिससे उसकी जो प्लेट की धारिता होती है या बैटरी की धारिता बोल लीजिए, वो हमारा बढ़ जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग वैद्युत अवघट। देखिए निकिल कैडमियम बैटरियों में आसूत जल में 20% KOH, जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा 1% लिथियम हाइड्रोक्साइड डालकर विद्युत अवघट तैयार करते हैं। इसमें हम लोग आसूत जल जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं हम लोग, इसमें 20% KOH और 1% लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर विद्युत अवघट तैयार करते हैं। जबकि हम लोग लेड एसिड बैटरी में क्या करते थे, उसमें जो है 3:1 माने 3:1 के अनुपात में पानी और H2SO4 मिलाते थे, जबकि इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, 20% KOH मिला रहे हैं किसमें, डिस्टिल वाटर में। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है निकिल बैटरियों का कार्य सिद्धांत। देखिए दोस्तों, हमारी जितनी भी बैटरियां होती हैं, चाहे निकिल कैडमियम बैटरी हो, चाहे सिल्वर ऑक्साइड बैटरी हो, चाहे
लेड एसिड बैटरी हो, जितनी भी बैटरियाँ होती हैं वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे काम करती हैं, रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया पे काम करती हैं, ताकि उनको चार्ज किया सके फिर डिस्चार्ज किया सके। चार्जिंग के समय जो प्रोसेस होगा उसका विपरीत ही प्रोसेस डिस्चार्जिंग के समय होगा। तो यहाँ वही बात लिखी हुई है कि निकिल कैडमियम बैटरियाँ भी एक उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब जो रिवर्सिबल हो, दोनों तरफ हो, चार्जिंग के समय डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक अभिक्रिया पर कार्य करती है, जिसका समीकरण निम्नवत होगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इसी के सिद्धांत पर जो है निकिल कैडमियम बैटरियाँ काम करती हैं, जिसमें धनात्मक प्लेट पर क्या होता है, निकिल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 ये OH आयन है, ये है क्या, जब ये विसर्जित होगा किस में विसर्जित हो जाएगा, NiOH4 में, और जब ये उल्टा चार्ज होगा, देखिए इधर जो तीर जा रहा है ये हमारा विसर्जन का है, अगर विसर्जित होगी तो ये इसे रिएक्शन करके NiOH4 बन जाएगा। अब जब इसको पुनः चार्ज करेंगे हम लोग, इधर चार्जिंग का करेंगे, देखिए ये आवेशन का है, इधर जो तीर का निशान आया है ये आवेशन का है, जब इसको आवेशित करेंगे पुनः तो यह पुनः टूटकर NiOH2 प्लस 2 OH माइनस में चेंज हो जाता है, ये रिएक्शन होता है पॉजिटिव प्लेट पर। इसी प्रकार हमारे निगेटिव प्लेट पर भी देख लीजिए, निगेटिव प्लेट पर यानी ऋणात्मक प्लेट पर क्या होता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड CD, यहाँ देखिए CD लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, हम बता दे रहा हूँ, CDOH2 प्लस 2K प्लस, ये जब हमारा क्या होगा, विसर्जित होगा, विसर्जित होगा तो CD प्लस 2KOH में टूट जाएगा, और इसके विपरीत जब ये चार्ज होगा, चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा, पुनः इसी में बदल जाएगा CDOH2 प्लस 2K आयंस में। देखिए दोस्तों, जब किसी भी बैटरी के रिएक्शन में, चाहे लेड एसिड बैटरी हो, चाहे निकिल कैडमियम हो, चाहे सिल्वर ऑक्साइड हो, जब वो चार्ज होता है तो वो आयंस में टूटता है। तो देखिए इस तरफ आयंस नहीं है तो ये डिस्चार्जिंग से मिला एलिमेंट है, और इधर जो है आयंस है तो ये हमारा चार्जिंग से मिला एलिमेंट है। इसी प्रकार देखिए यहाँ 2K ये भी आयंस है, तो यानी ये हमारा चार्जिंग का इक्वेशन है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सिल्वर ऑक्साइड बैटरियाँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम जो UPBTE का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है आपको, तो उसमें जो है अगला टॉपिक हमारा क्या है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरियाँ। तो इनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय में सिल्वर ऑक्साइड बैटरियाँ द्वितीयक बैटरियाँ होती है, अर्थात इन्हें पुनः चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जितनी भी बैटरियाँ पढ़े हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी हो, या निकिल कैडमियम बैटरियाँ हो, या सिल्वर ऑक्साइड बैटरी हो, ये सब हमारी द्वितीयक सेल से बनी बैटरियाँ होती है, अर्थात इनको हम लोग एक बार डिस्चार्ज करके पुनः चार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद है अगला हेडिंग, सिल्वर ऑक्साइड बैटरियों की बनावट, कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी कैसे बनी होती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, देखिए दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड बैटरियों को बनाने में पॉजिटिव तथा निगेटिव प्लेटों का उपयोग किया जाता है। इसमें पॉजिटिव प्लेट रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड की तथा निगेटिव प्लेट जिंक ऑक्साइड की और तथा जिंक पाउडर की होती है, या जिंक पाउडर की होती है। अर्थात जो है सिल्वर ऑक्साइड की जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड की होती है, और निगेटिव प्लेट जिंक ऑक्साइड या फिर जिंक पाउडर की बनी होती है। दोनों प्रकार की प्लेटों को हीट प्रोसेस से तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात जो लिखी हुई है एकदम शॉर्ट में लिखी हुई है, इसको आप लोग जो है अपने एग्जाम में जो है या अपने नोट्स में आसानी से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने भाषा में तैयार किया हुआ ये नोट्स है। दोनों प्रकार की प्लेटों को हीट प्रोसेस से तैयार किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaOH या KOH का उपयोग किया जाता है। इस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य बात यह है कि यह स्वयं सेल की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन फिर भी अभिक्रिया कराने में मदद करती है।
देखिए दोस्तों, जितने भी पीछे के हमने सेल पढ़े या बैटरी पढ़े, उसमें जो है उसका इलेक्ट्रोलाइट, जैसे लेड एसिड बैटरी था उसमें हम लोग तनु H2SO4 यूज किए थे, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट उसके रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था। और हम लोग निकल कैडमियम बैटरियाँ पढ़े, उसमें भी जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड था, तो उसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड था तो वो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट हमने उपयोग किया है NaOH या KOH, यह रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। और फिर भी रिएक्शन जो उसमें केमिकल प्रोसेस होता है बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, उसमें मदद करता है। यानी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा दे या घटा दे उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो ये हमारा जो है उत्प्रेरक का काम करता है। इसके बाद है कार्य सिद्धांत। देखिए दोस्तों, जितनी भी बैटरियां होती हैं वो रिवर्सेबल रिएक्शन पर कार्य करती हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, सिल्वर ऑक्साइड में भी बता चुका हूँ और लेड एसिड बैटरी में भी बता चुका हूँ। तो इसी प्रकार जो है सिल्वर ऑक्साइड जो बैटरी होती है उसका भी अपना एक रिएक्शन होता है जिसपे वो काम करती है। तो उस रिएक्शन को यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। देखिए कार्य सिद्धांत में क्या है, यह बैटरी भी निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर कार्य करती है। वो रिएक्शन क्या है, देखिए ये सिल्वर ऑक्साइड है और ये जिंक है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। ये बात यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट हमारा किसका बना होता है, रिड्यूस्ड सिल्वर ऑक्साइड की, और जिंक की निगेटिव प्लेट बनी होती है। तो यही यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट हमारा क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है, और निगेटिव प्लेट क्या है, ये निगेटिव प्लेट जिंक है। तो जब इसको चार्जिंग किया जाता है, ये हमारा चार्जिंग अवस्था में, जब ये डिस्चार्ज होती है तो 2Ag प्लस ZnO प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यानी जब ये डिस्चार्ज होगी तो ये जो इतना भाग है ये टूटकर सिल्वर में और जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो रिलीज होती है तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद फिर अगर ये इसको चार्जिंग किया जाए, इसको चार्ज करेंगे हम लोग, तो हमें फिर से यही प्राप्त हो जाएगा Ag2O प्लस ZnO। तो इस तरीके से हमारा जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड बैटरियाँ या सिल्वर ऑक्साइड बैटरियाँ काम करती हैं। अर्थात पॉजिटिव प्लेट चार्ज होने पर सिल्वर ऑक्साइड में तथा डिस्चार्ज होने पर सिल्वर में बदल जाती है। देखिए यही बात लिखा हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट चार्ज होने पर सिल्वर ऑक्साइड में तथा डिस्चार्ज होने पर सिल्वर में बदल जाती है। देखिए डिस्चार्ज जैसे हुआ सिल्वर हो गया केवल, और चार्ज होने पर सिल्वर ऑक्साइड में बदल गया। और निगेटिव प्लेट क्या होता है, चार्ज होने पर जिंक में रहता है और डिस्चार्ज होने पर जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार निगेटिव प्लेट चार्ज होने हो जाने पर जिंक में तथा डिस्चार्ज होने पर जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा नोट्स ये तैयार किया गया है कि आप अगर रिएक्शन को ध्यान में रखते हैं तो ये थ्योरी जो है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस में परिवर्तित हो रहा है और कौन सी ऊर्जा रिलीज हो रही है। तो ये एकदम आपके भाषा में तैयार किया हुआ नोट्स है जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद है इनका उपयोग देख लेते हैं, जितनी भी बैटरियाँ हमारी हैं। देखिए सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की विशेषता, पहला सिल्वर ऑक्साइड बैटरियों को की निम्न विशेषता होती है, जिसमें सबसे पहला विशेषता क्या है, एएच दक्षता अच्छी होती है, यहाँ पर एएच दक्षता अच्छा होता है। दूसरा कैपेसिटी पर वेट अच्छा होता है। कैपेसिटी पर वेट का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारा 2Ah का बैटरी है और ये सिल्वर ऑक्साइड का 2Ah का बैटरी है, वहीं 2Ah का हम लोग लेड ऑक्साइड का बैटरी लें, लेड एसिड बैटरी लें, तो दोनों में जो हल्का होगा वो किसका होगा, सिल्वर ऑक्साइड का। वही बात यहाँ पर लिखी हुई, कैपेसिटी पर वेट माने इसकी एक निश्चित अमाउंट में वेट के मुकाबले इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। उच्च ताप वहन कर सकती है, अर्थात इसका वर्किंग टेम्परेचर
अच्छा होता है या अच्छा वर्किंग टेम्परेचर पर काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए अगर लेड ऑक्साइड हमारा 45 डिग्री तक काम कर रहा है तो ये 60 तक काम कर सकता है, 70 तक काम कर सकता है। और अगला विशेषता क्या है, उच्च धारा वहन कर सकती है, अर्थात इसको अगर हम लोग डिस्चार्जिंग रेट यानी इससे हम लोग अधिक धारा लें, जैसे मान लीजिए 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर इतना लें, तो ये भी आसानी से डिलीवर कर सकती है, इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और पांचवा विशेषता क्या है, ड्राई अवस्था में इसकी आयु लगभग 5 साल की होती है। ड्राई अवस्था मतलब शुष्क अवस्था में इस बैटरी की, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की लाइफ कितनी होती है, लगभग 5 साल। अब बारी बारी से इन सभी बैटरियों का हम लोग यूज देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे लेड एसिड बैटरी, तो सबसे उसी का सबसे पहला उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, लेड एसिड बैटरियों का उपयोग। तो लेड एसिड बैटरियों को निम्न स्थानों पर उपयोग करते हैं, जिसमें क्या है, कार, बस, ट्रकों में, सेल्फ स्टार्टिंग तथा प्रकाश व्यवस्था में। आप लोग देखे होंगे कोई भी कार खोलिए, कोई भी ट्रक खोलिए या बस खोलिए, उसमें जो है आपको लाइटिंग के लिए और उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, जैसे बाइक को ही ले लीजिए, उसमें भी सेल्फ स्टार्ट के लिए बैटरी, ये लेड एसिड बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए दूसरा उपयोग क्या है, कंप्यूटर के यूपीएस में। आप लोग आपके घर में जो कंप्यूटर होगा उसमें जो यूपीएस रहता है, यूपीएस के अंदर अगर आप लोग खोल के देखेंगे तो उसमें एक 12 वोल्ट की जो है लगभग 7 एच की बैटरी लगी होती है, और वो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी। इसी तरीके से आपातकालिक प्रकाश व्यवस्था में, हम लोग अपने घरों में आपातकालिक व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था में जैसे इमरजेंसी लाइट होता है, इमरजेंसी लाइट को में देखिए उसमें भी 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की जो है लेड एसिड बैटरी लगी होती है, और घर में जो भी इन्वर्टर्स लगे होते हैं उसमें भी लेड एसिड बैटरी ही लगी होती है। इसके अलावा लेड एसिड बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है दोस्तों, इसको आप लोग जो है इसके बारे में UEET में पढ़िएगा, तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। इसके बाद जो है निकिल कैडमियम बैटरी का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। देखिए निकिल कैडमियम बैटरी को निम्न स्थानों पर उपयोग करते हैं, पहला निकिल कैडमियम बैटरी जो है ये लेड ऑक्साइड बैटरियों से हल्की होती हैं, तो इनको हम लोग पोर्टेबल पावर टूल में यूज करते हैं। पोर्टेबल पावर टूल का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ले जा सकते हैं आसानी से, हल्का होता है तो इसको उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी का अर्थ है कैमरों में यूज करते हैं। और इसके अलावा अन पोर्टेबल डिवाइसेस मतलब जो हल्की फुल्के डिवाइसेस हो जिनका हम लोग कहीं इधर उधर ले जाकर उपयोग करते हैं, जिसको हमेशा कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, निकिल कैडमियम बैटरियों का उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद है सिल्वर ऑक्साइड बैटरियों का उपयोग। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनका उपयोग इसलिए घड़ियों में किया जाता है, कैलकुलेटर्स में किया जाता है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में भी किया जाता है। अब अगला हेडिंग है हमारा जो है बैटरियों की चार्जिंग करने की विधि, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, और ये भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। देखिए दोस्तों, और सिलेबस में केवल लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग विधियों का वर्णन किया गया, तो हम लोग वही केवल पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग हमारा यही है, लेड एसिड बैटरियों के चार्जिंग की विधियां, चार्जिंग मेथड ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरियों को दो विधि से चार्ज किया जाता है, पहला स्थिर धारा विधि जिसको कॉन्स्टेंट करंट मेथड कहते हैं, और दूसरा है स्थिर वोल्टता विधि जिसको कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेथड बोलते हैं। तो इसके अलावा एक तीसरी विधि भी होती है जो ये स्थिर वोल्टता विधि है, इसी का एक सुधरा हुआ रूप है, उसको हम लोग आगे चल के देख लेंगे लास्ट में। फिलहाल हम लोग देखते हैं स्थिर धारा विधि द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्थिर धारा विधि आवेशन का परिपथ आरेख दिखाया गया, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर तथा पाई फिल्टर मेथड द्वारा DC प्राप्त किया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल इंडक्टर लगा हुआ है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई आती है सिंगल फेज की वो कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है। तो हमारी बैटरी होती है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 6 वोल्ट की होती है, तो उस 220 वोल्ट को हम लोग
12 वोल्ट या 6 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। आप लोग को अगर लिखना होगा तो इस फिगर का वर्णन कर दीजिएगा, तो वैसे भी एक पेज भर जाएगा, उसके बाद जो है आसानी से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लिया होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है दूसरा चैप्टर, या हाँ दूसरा चैप्टर ही है, डायोड के बाद जो है इसमें वही दिया हुआ है कि रेक्टिफायर्स कैसे बनते हैं, जिसमें एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया हुआ है। और उसी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स जिसमें तीन प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है, और सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है, और एक पाई फिल्टर होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर के लिए पाई फिल्टर यूज कर किए हुए हैं। ये जो दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर है, ये इतना तीनों एलिमेंट मिलकर एक पाई फिल्टर बनाते हैं। तो ये इसको बोल सकते हैं डॉटेड लाइन के अंदर क्या है, इतना ये हमारा पाई फिल्टर है, पाई फिल्टर। देखिए दोस्तों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लीजिएगा, फिलहाल मैं थोड़ा बहुत यहाँ बता दूंगा। देखिए यहाँ से जैसे हम लोग 220 वोल्ट की एसी देते हैं, ये ट्रांसफार्मर उसको 12 वोल्ट या 14 वोल्ट की डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी नहीं एसी में ही कन्वर्ट करता है, 14 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम लोग ये ब्रिज रेक्टिफायर को देते हैं 14 वोल्ट या 12 वोल्ट। तो ये जो 14 वोल्ट और 12 वोल्ट की एसी हमको ये सेकेंडरी से मिली है, ये ब्रिज रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से हमको शुद्ध डीसी नहीं मिलती, पल्सेटिंग डीसी मिलती है, अर्थात उसमें फ्लक्चुएशन होता है। तो फ्लक्चुएशन को समाप्त करने के लिए यहाँ पर फिल्टर लगाया जाता है, ये पाइप फिल्टर होता है जो उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के बाद अब देखिए हमको क्या चाहिए, ये बैटरी हमारा लगा हुआ है, बैटरी का सिंबल है, क्योंकि देखिए इसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी तैयार किया हुआ है। तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यहाँ हम लोग कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, स्थिर धारा विधि का। तो धारा को कॉन्स्टेंट करने के लिए यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो ये अमीटर से हम लोग इसमें देखते रहेंगे कि धारा अगर बढ़ रही है तो उसको यहाँ से घटाएंगे, अगर घट रही है तो इसको यहाँ से बढ़ाएंगे। और यहाँ बैटरी में जाने वाली जो धारा है इसको सदैव कॉन्स्टेंट रखेंगे, क्योंकि हमारा ये चार्जिंग का मेथड क्या है, स्थिर धारा विधि द्वारा आवेशन है। तो इस तरीके से इस सर्किट डायग्राम का जो है पूरा का पूरा वर्णन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका वर्किंग कैसे है। वर्किंग तो बता ही दिए हैं कि इसको अपने भाषा में लिखना कैसे है। देखिए नीचे स्थिर धारा विधि द्वारा आवेशन का परिपथ आरेख दिखाया गया है, यहाँ दिखाया हुआ है, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर तथा पाई फिल्टर मेथड द्वारा डीसी प्राप्त किया गया। ये पाई फिल्टर मेथड है, यहाँ से हमको डीसी मिल जाता है, जिसे एक परिवर्ती प्रतिरोध द्वारा बैटरी को आवेशित करने के लिए संयोजित किया गया है। इस विधि में परिवर्ती प्रतिरोध द्वारा बैटरी की धारा को नियत रखा जाता है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसी को एडजस्ट करके बैटरी में जो करंट जा रही है उसको हम लोग स्थिर बना के रखते हैं। देखिए नियत रखा जाता है, अमीटर द्वारा चार्जिंग धारा को मॉनिटर करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए अमीटर लगा हुआ, इसका काम क्या है, इससे हम लोगों को पता चलता रहता है कि बैटरी में जो हमारी करंट जा रही है वो कॉन्स्टेंट है, अर्थात यदि शुरू में 10 एम्पियर थी तो लास्ट में भी 10 एम्पियर ही रहेगी, मॉनिटर करते रहते हैं, इसलिए इस विधि को स्थिर धारा आवेशन विधि कहते हैं। देखिए स्थिर धारा विधि आवेशन का ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें तीन ग्राफ एक्स वाई अक्ष पर जो है बनाया गया, जिसमें एक एक्स अक्ष पर क्या है चार्जिंग टाइम दिया हुआ है, और वाई अक्ष पर क्या क्या दिया हुआ है, एक चार्जिंग करंट दिया हुआ है, और दूसरा चार्ज ये बैटरी की वोल्टेज दी हुई है। तो स्थिर धारा विधि द्वारा चार्जिंग में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखिए करंट, ये करंट वाला ग्राफ है, इसको आई से लिख लीजिए, और ये भी है हमारा करंट वाला ग्राफ, देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन है, अर्थात शुरू से लेके अंत तक ये क्या है, स्थिर है। और वहीं वोल्टेज, जो बैटरी की वोल्टेज है, ये वोल्टेज लाइन है, वोल्टेज क्या हो रही है, यहाँ शुरू में तो कम थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, देखिए यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, और लास्ट में फुल चार्ज होने पर क्या हो गया,
ये जो है हमारी चार्जिंग करंट की जो लाइन है उसको कट करते हुए आगे बढ़ गई, यानी ये हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया। तो इस तरीके से स्थिर धारा चार्जिंग विधि का ये ग्राफ हो गया। इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में स्थिर वोल्टता विधि द्वारा आवेशन को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।